बेसिकली क्या है, ये रेजिस्टेंस मैंने पैडल में लगा सकते हैं, ये वो वायरिंग कर रखी है मैंने इसके अंदर जैसे हमारे घर में होती है। मैंने क्या किया बेसिकली एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस, हर एक बल्ब हो चाहे कोई भी डिवाइस हो, चाहे वो एसी हो चाहे रेफ्रिजरेटर हो, हर किसी के अंदर क्या होता है रेजिस्टेंस। तो ऐसे इन तीनों डिवाइस के अंदर भी रेजिस्टेंस है और इन तीनों रेजिस्टेंस को मैंने लगा रखा पैडल में, यहाँ पे वायरिंग कर रखी है, ये पैडल में कनेक्ट किया। और पैडल में तुमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस क्या रहता है, बहुत कम रहता है और रेजिस्टेंस कम होने की वजह से करंट बहुत ज्यादा होता है और करंट ज्यादा होने की वजह से हमें जो आउटपुट मिलती है वो मैक्सिमम मिलती है। अब ये सेम मॉडल इसकी वायरिंग कर रखी है बेटा सीरीज में। सीरीज में क्या होता है बेसिकली एक बल्ब दूसरा बल्ब तीसरे बल्ब ऐसे टाइप होते हैं। मैंने क्या कर रखा सीरीज ऐसे होता है ना, सर्किट जा रहा है, मान लो देखो यहाँ पे अगर मैंने बैटरी लगाई तो ये गया एक रजिस्टर, उसी के साथ में दूसरा रजिस्टर और उसी के साथ में तीसरा रजिस्टर, सीरीज में लगे तो ये सीरीज में कॉम्पोनेंट में मैंने सिर्फ एक चीज रखी है। अब इसमें क्या होता है अगर एक चीज हमारी खराब हो जाए तो बाकी वर्क नहीं करेगी। रीजन ये क्योंकि ये सर्किट अगर ये वाला कॉम्पोनेंट खराब हो गया तो यहाँ से क्या होगा सर्किट ब्रेक हो जाएगा जिसकी वजह से करंट आगे फ्लो नहीं करेगा और ये दोनों बल्ब ग्लो नहीं करेंगे। ये ऑन है, ये तो खराब हो गया बेटा, इसका टेंशन जल गया, किसी भी तरह से टूट गया, इसका टेंशन टूट गया, हो सकता है किसी वजह से इसके अंदर एयर चली गई हो या कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से टंगस्टन बर्न हो चुका है। अब ये बल्ब खराब ही नहीं जलेगा, ये कभी नहीं जलेगा, इसका धुआं धुआं हो गया सारा, ये टंगस्टन जल चुका है इसका, कुछ नहीं होता। और इसीलिए मैं एक स्पेयर बल्ब लेके आया था, मुझे पता था कि ये काम जरूर होगा। अगर मैं इसे ऑन करूँ बेटा तीनों तीनों ऑन हो रहे हैं और तीनों की ब्राइटनेस है वो कितनी है, बहुत ज्यादा। एक बार ब्राइटनेस इसकी आपको बता दूं, इसके बाद बेटा रेजिस्टेंस सीरीज में देखेंगे। तो पैडल में हो क्या रहा है बेसिकली, अगर मैं एक कंपोनेंट बंद करता हूं तो बंद हो गया, बाकी तो काम करते रहेंगे। दूसरा कंपोनेंट बंद करता हूं, दूसरा ही बंद करता हूं, तीसरा बंद करता हूं, तीनों बंद हो गए, कोई फर्क नहीं आया। अब इंटेंसिटी देखते हैं एक बार सीरीज वाले में, बहुत गर्म हो चुका है, क्या लगता है सीरीज में क्या होने वाला है, कम होगी लाइट, लाइट बहुत कम होगी, इंटेंसिटी कम होगी, इंटेंसिटी कम क्यों होगी, रेजिस्टेंस की बढ़ी हुई है, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से करंट, अरे बेचारा फ्यूज बल्ब लग गया बेटा, इससे ज्यादा होता एक बल्ब दे रहा है, हो रहा है ऐसा, इतनी ब्राइटनेस, इससे ज्यादा ब्राइटनेस तो इसका एक बल्ब दे रहा है, यहाँ पे किलो किलो मिलकर इतनी ब्राइटनेस दे रहे हैं। अगर ध्यान से देखो लोग एक बार लाइट बंद कर लो, देखिए ब्राइटनेस कितनी है, मतलब इसको हम इन बल्ब को इजीली देख सकते हैं, इनमें छुपा हुआ टंगस्टन भी दिखाई दे रहा है अगर ध्यान से देखो, और टंगस्टन को भी इजीली देख सकते हैं। तो सीरीज में सबसे पहली चीज क्या है कि यहाँ पे इंटेंसिटी बहुत कम रहती है। दूसरी चीज देखते हैं, लाइट ऑन करो, जल लगेगा, मैंने मान लेते बेटा एक बल्ब खराब हो गया और निकाल, अगर एक कंपोनेंट काम करना बंद हुआ तो बाकी कंपोनेंट सर उसका सारा करंट डिसेबल हो जाता है, जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सर्किट ब्रेक हो गया, यहाँ पे सर्किट क्या हो गया ब्रेक, और करंट को फ्लो करने के लिए कॉन्टिन्यूस पाथ चाहिए होता है, एक क्लोज पाथ चाहिए होता है, अगर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो करंट पास नहीं करेगा। अगेन लगाऊंगा ग्लो करके टाइम करके, अब सोचो यहाँ पर मान लो यहाँ पे 1000 बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है, या मान लेते मैंने एक बेटा लड़ी बनाई होती ना लाइट वाली, दिवाली वाली, दिवाली वाली एक लड़ी बनाई, ठीक है, वो लगा दी घर पे, अब वो सीरीज में थी, मान लो उसका एक बल्ब खराब हो गया, अब मैं कितना परेशान हूँ, क्यों, पूरी लाइट पे मुझे पता ही नहीं कौन सा बल्ब खराब हुआ है, मुझे एक से लेकर 1000 तक पूरे में टेस्टर लगा के चेक करना पड़ेगा कौन सा खराब है। तो ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज होती है सीरीज सर्किट की।